करने जरूर जरूर आए। आपसे ये अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का और आपसे ये अपेक्षा भी है। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर ए मीनिंगफुली इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। तो आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है, पधारो सा मतदान केंद्र पर, आप सब वोटिंग करने जरूर आए। फ्रेंड्स, इन लास्ट टू डेज वी मेट ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो हैड ए डिटेल्ड डिस्कशन विद द एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। देयर आफ्टर हैड ए रिव्यू विद द डीएम्स, एसपीज, आईजीज, डीआईजीज, कमिश्नर्स एंड ऑल्सो देयर आफ्टर विद द चीफ सेक्रेटरी, डीजीज एंड ऑल द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे क्या कहा और जो उन्होंने कहा उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ हमने कलेक्टर्स को, एसपीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजेंसीज से क्या चर्चा की और क्या उन्हें निर्देश दिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हमसे मिलने आई उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, पहले मैं वो आपको बता रहा हूं। हमसे आप बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधिगण मिले, अपना विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिया। तो उनकी जो मांगों को अगर समराइज करें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एविडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्यवाही हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्यवाही की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापिस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। जो प्रिवेंटिव एक्शन स्टेट में होता है 107-116 का, उसको फेयरली किया जाए, ना कि उसको इम्पार्शियली किया जाए, और वो पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसको डिसेबल ना करे। स्टेट गवर्नमेंट्स या कहीं भी कोई बैकडेटेड ऑर्डर्स आफ्टर एमसीसी इशू ना हो। डीओज, आरओज को जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उनके बारे में उनके रोल की क्लियरिटी दी जाए। जो पब्लिकेशन क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स का कुछ पार्टीज ने कहा कि जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है उसकी कॉस्ट सरकार दे, उनको ना देनी पड़े। लिकर और फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे चेक किया जाए। सोशल मीडिया के जो नैरेटिव्स हैं और जो फेक न्यूज़ हैं उस पर चेक किया जाए, और साइलेंस पीरियड में खासतौर से कैंपेनिंग को विशेषतः सोशल मीडिया पर रोका जाए। ये सभी इश्यूज़ जो बताए गए उनके बारे में मैं माध्यम में विस्तार से आपके प्रेजेंटेशन के बीच में बताऊंगा, या तो बाद में या बीच बीच में।